सो हाय गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। सो फर्स्टली जानना चाहेंगे किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हो आप लोग? आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट यूट्यूबर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आई एम नॉमिनेटेड फॉर राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। ओहो, मेनी कंग्रेचुलेशंस। सो ये जानना चाहेंगे यू नो अभी क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट है आफ्टर रोडीज? भाई मेरा तो गाना आ रहा है, मैं सबको बोल रहा हूँ, हल्ला पीट रहा हूँ हर जगह पे, भाई गाना आ रहा है। बहुत टाइम हो गया, बहुत लोग सुन रहे हैं, फाइनली इट्स कमिंग सून गाइस। बहुत ही मेहनत करी है इस गाने के लिए। मुझे लगता है कि आफ्टर रोडीज अगर मैंने कुछ किया है लाइफ में अच्छा तो ये गाना है। जस्ट वेट फॉर इट, बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही मतलब जो मेरा स्ट्रेंथ है डांस, उसके ऊपर ये गाना है। थोड़ा सा लव, रोमांस, डांस, वाइब, सब कुछ है इस गाने में। बहुत ही मजा आ रहा है, तो मजा आने वाला है। वेट फॉर लक तेरा लीड। मुझे पैसे भी निकले सब मिलने के लिए। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे जिस तरह यू नो एक यूट्यूबर हमारे साथ है और एक इन्फ्लुएंसर हम कह सकते हैं सचिन आपको, सो बिग बॉस के घर में यू नो यूट्यूबर वर्सेस टीवी चल रहा है, सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आई फील यार दोनों एक प्लेटफॉर्म ही है। आई थिंक जो टीवी वाले लोग हैं वो भी एंटरटेन ही कर रहे हैं हमें एंड यूट्यूबर्स भी एंटरटेन ही कर रहे हैं, तो आई फील वो लोग अगर वहाँ हैं तो कुछ करके ही गए हैं दोनों। एंड आई फील के जो ज़्यादा टैलेंटेड है जो अपना जितना अच्छा गेम खेलेगा वही आगे जाएगा, वही जीतेगा। इट्स नेवर अबाउट टीवी, इट्स नेवर अबाउट कौन से प्लेटफॉर्म से आप आगे गए हो, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप वहाँ जाके क्या। सब बिग बॉस आप दोनों कितना फॉलो कर रहे हो? थिंक बिग बॉस बहुत ही अमेजिंग चल रहा है एंड आई कैन सी यू नो अभिषेक गेटिंग इमोशनल, ईशा प्लेइंग बोथ ऑफ देम, तो बहुत ही एंटरटेनिंग जा रहा है। अभी सीजन अभी उठना शुरू हुआ है। मैं ना जब मैंने बिग बॉस शुरू किया तो देखा तो मुझे लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है, बट बिग बॉस इज बैक अगेन क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने लग गई हैं। इनफैक्ट मुनावर फारूकी, आई रियली एडमायर हिम बिकॉज जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो शायरी बोलता है, मैं कोई अंधा भक्त नहीं हूँ उसका, बट वो उसको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। म्यूजिक भी करता है वो, शायर भी है वो, यूट्यूबर भी है वो, बहुत अच्छा कॉमेडियन भी है। आई एम रियली सपोर्टिंग मुनावर फारूकी बिकॉज वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है और वो बहुत ही मेहनत से पहुँचा है, तो आई रियली वॉन्ट हिम टू विन। लेट्स गो। एंड आई एम सपोर्टिंग मुनावर बिकॉज वो दिखता है काफी जेन्युइन है, बहुत रियल है, जो चीज बोलता है उसका एक पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है बिग बॉस के शो में आप जा रहे हो। एंड आई फील वो गेम को खेल रहा है एंड हर चीज में कुछ ना कुछ उसका अच्छा अच्छे से संभाल लेता है कुछ चीजें। लाइक मुनारा का भी बहुत केयर कर रहा है, आई फील कि उसकी जो गर्लफ्रेंड बाहर है उसको मारे ना वापस, तो अच्छा नहीं। एंड ही इज मोर रियल। मुझे लगता है कि ऐसे शोज में ना रियल होना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि सब लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं, प्यार सब लोग कर लेते हैं, यू नो एक रियल एसेंस रखना शो में, रियल पर्सनैलिटी रखना। अगर आपको झगड़ा नहीं हो रहा है किसी तो आप मत करो ना, क्या जरूरत लग रहा है लाइम लाइट में रहकर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि बींग रियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुनावर बहुत रियल दिख रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन, ईशा और अभिषेक की जो रिलेशनशिप को लेकर आप क्या कहने वाले, क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आज जो प्रोमो आया है ना वेरी हार्ट टचिंग, अभिषेक को लेकर क्या कहना चाहोगे? आई फील देखो दो रिलेशनशिप वालों के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? वो अपने आप सॉर्ट करते, अपने आप लड़ के मार पीट के अपने आप देख लेते हैं, बट जितना अभी दिख रहा है शी इज डिनाइंग द फैक्ट के अभिषेक वाज इन अ रिलेशनशिप विद गर्ल एंड जो समर भी आया था मैंने फोटो में देखा है उसके साथ भी उन्होंने रिलेशनशिप डिनाई कर दिया है। तो एज एन ऑडियंस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही झूठी गेम खेल रही है एंड आई डोंट नो व्हाई। आई फील अगर वो रियलिटी सच रखती अपना सामने तो ऑडियंस में ज़्यादा पसंद करती, क्योंकि ऑडियंस को रियल और सच्चाई वाले लोग पसंद है, ज़्यादा बनावटी लोग समझ नहीं आते। एंड आई ऑल्सो फील द सेम, बिल्कुल ऐसे गलत नहीं बोल रहा है, बट ईशा में जब वो दूसरा बंदा एंटर समर जब एंटर किया तो ईशा के चेहरे के हाव भाव थे वो थोड़े से उड़ गए थे। तो मैं क्या होता है ना, हम लोग एज एन ऑडियंस जब देखते हैं हम लोग ऐसा लगता है यार कि
कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे मैं इतना क्लोज, हम लोग देखते हैं सब लोग हैं, तो मुझे लगा कि ईशा का जो पॉइंट था ना वहाँ कहने के, वो बहुत रॉन्ग था। एंड ठीक है यार, सबकी चॉइस है, हर कोई इंसान कभी आज उसको कहीं कल को कुछ मिल जाएगा तो उसको लाइफ में बदलना नहीं चाहिए, उसको सेम रहना चाहिए। अगर मुझे लाइफ में कुछ अच्छी होगी तो मैं कभी नहीं बदलना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के लेकर मैं कभी चेंज नहीं करना चाहिए। Thank you so much guys, thank you.